कि ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ONGC का, मैंने यहाँ पे जो कॉल लिया था, इसको किस तरह से आपको बाय करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। क्या आप मात्र 20 रुपए लगाकर इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, आप मात्र 20 रुपए से इंट्राडे ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। एंड हम सीखेंगे कि इंट्राडे कैसे करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मैं सिखाने वाला हूँ। एंड आपको मैं लाइव ट्रेड भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने यहाँ पे 20 रुपए में इंट्राडे ट्रेडिंग को किया है। तो वीडियो को स्किप मत करना दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बहुत सारे एडवांस पॉइंट मिस करने वाले हैं, जो कि मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। हेलो ट्रेडर्स, मैं विद्या सागर, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों शेयर मार्केट कोर्स का ये पार्ट 3 वीडियो है। पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये यहाँ पे टॉपिक समझ में आने वाला है। तो चलिए दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं, किस तरह से यहाँ पे स्टार्ट किया जाता है, पहला ट्रेड आप कैसे बाय कर सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे यहाँ पे सवाल होंगे, तो मैं आप सभी को यहाँ पे लाइव ट्रेड करके दिखाने वाला हूँ, जिसके माध्यम से आप सभी के ये जितने भी सवाल हैं वो सभी यहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लेंथी ना करते हुए लेके चलता हूँ आपको अपनी लाइव मोबाइल स्क्रीन पर। तो यहाँ पे दोस्तों हम अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लेते हैं। एंड अभी ये मेरा मॉर्निंग का प्रॉफिट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 10,000 के आसपास का प्रॉफिट बुक किया था। आप इस पर फोकस आप मत करिएगा, क्योंकि मैं आपको अभी यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब आप दोस्तों इस प्रकार का आप Angel One जब भी आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से Angel One के डीमेट में आपको फॉर्मेट दिखने वाला है। यहाँ पे आपकी वॉच लिस्ट होती है, तो आपको यहाँ पे कोई स्टॉक ऐड करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी ऐड कर लेता हूँ UCO Bank। तो आपको क्या है, यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है एंड UCO आपको लिखना है। जो राइट हैंड पे आप देख पा रहे हैं ये जो स्टार का आइकन है, इस पर आपको एक बार क्लिक कर देना है। एंड ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, UCO Bank हैज बीन एडेड टू सक्सेसफुली। तो ये यहाँ पे दोस्तों हमारा कुछ सक्सेसफुली एड हो गया है। हमें क्या करना है, आज के दिन हम ये आपको दिखाने वाले हैं कि हम कैसे कम से कम फंड में भी कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप जब आप यूको बैंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन आने वाला है। एंड आपको क्या सिंपली यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है, ठीक है। एंड बाय पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे सबसे टॉप पे जो देख पा रहे हैं ये आपका डिलीवरी का ऑप्शन है। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप दोस्तों 1 दिन से ज्यादा आप होल्ड करोगे इस स्टॉक को तो ये डिलीवरी में ऑटोमेटिकली आपका स्टॉक हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 1 लॉट करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको सिर्फ 41 रुपए का ये पड़ रहा है डिलीवरी में। अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसको इंट्राडे के लिए करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मुझे 16 रुपए का कुछ पड़ने वाला है। क्यों ऐसा क्यों होता है दोस्तों, क्योंकि इस स्टॉक में क्या आपको 2x का यहाँ पे लेवरेज मिल रहा है, इसलिए क्या है आपको यहाँ पे ये एक क्वांटिटी जो है 16 रुपए कुछ समथिंग पैसे की पड़ रही है। अगर दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे 41.60 देख पा रहे हैं इसका प्राइस चल रहा है, ठीक है, अगर आप इसको बाय करते हैं 1 लॉट, मतलब एक शेयर आप बाय करते हैं तो ये आपको 16 रुपए का कुछ पड़ेगा। मैं आपको यहाँ पे बाय करके दिखाता हूँ एंड फिर इसको कैसे एग्जिट करते हैं वो भी आप सभी को दिखाता हूँ। तो आपको क्या है, मार्केट प्राइस में इसको कंफर्म कर लेना है। कंफर्म होते ही दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास एक पोजीशन आ गई है। अब इस पोजीशन में देखेंगे अगर आप दोस्तों, तो यहाँ पे आपको इंट्राडे दिख रहा है, इंट्राडे NSE। तो क्या है, हमने इंट्राडे में इस स्टॉक को लिया है, तो इसका मतलब क्या है, अगर हम 3 बजे के आसपास इसको अगर एग्जिट नहीं करते हैं एंड आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो अभी टाइमिंग चल रहा है 3:12, अगर आप इसको 3:30 बजे तक एग्जिट नहीं करेंगे तो आपका ब्रोकर जो भी होगा वो आप ऑटोमेटिकली इस शेयर को एग्जिट कर देगा, क्योंकि हमने क्या यहाँ पे इंट्राडे में लिया हुआ है इसको। अगर आप इसको दोस्तों यहाँ पे डिलीवरी में लेते तो आप इसको 1 दिन से ज्यादा भी होल्ड कर सकते हैं जब तक कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपली आपको एग्जिट करके दिखाता हूँ, कुछ आपको इस प्रकार का ऑप्शन आएगा, आपको एग्जिट पे क्लिक करना है। अगर दोस्तों आप यहाँ पे कोई टारगेट रखना चाहते हैं तो आपको क्या है, यहाँ पे सिंपली मान के चलिए जैसे ये 42 का आप टारगेट रखते हैं, तो अगर इंट्राडे में 42 का प्राइस आता है, अगर दोस्तों इंट्राडे में यहाँ पे 42 का प्राइस आता है तो ये ऑटोमेटिकली फिर आपका स्क्वायर एफ हो जाएगा। अगर दोस्तों आप चाहते हैं यहाँ पे मार्केट प्राइस में एग्जिट करना, तो मैं एक बार आपको मार्केट प्राइस में यहाँ पे एग्जिट करके दिखाता हूँ। जितने शेयर आपने बाय किए हैं दोस्तों उतने ही शेयर यहाँ पे आपको लिखना है और ये आपको मार्केट प्राइस में बोल रहा है एग्जिट करने के लिए, मैं इसको यहाँ पे एग्जिट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये हमारी पोजीशन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ हो चुकी है।
स्क्वायर एफ का मतलब क्या होता है, मैंने आप सभी को कल की वीडियो में बताया हुआ था, जिसका मतलब होता है किसी भी पोजीशन को एग्जिट करना। तो हमने क्या है, इसको यहाँ पे एग्जिट किया है 0.0 लॉस में, ना ही प्रॉफिट में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, आप अपने यहाँ पे इंट्राडे की डे की ट्रेडिंग आप मिनिमम फंड के साथ स्टार्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे 20 रुपए के अंडर में ही इस शेयर को बाय किया था और एग्जिट भी कर दिया था। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों अभी आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इंट्राडे में किस तरह से यहाँ पे हम लोग स्टॉक्स को बाय कर सकते हैं। आगे की कुछ वीडियो में दोस्तों हम लोग समझेंगे कि ये जो ऑप्शन आप देख पा रहे हैं ONGC का, मैंने यहाँ पे जो कॉल लिया था, इसको किस तरह से आपको बाय करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो आपको दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की वीडियोस यहां पे अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।